नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच मध्य प्रदेश की रीवा जिले के जनपद पंचायत में कई उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं, जिसमें साबुन, हैंड सैनिटाइजर व मास्क का वितरण किया गया है। वहीं क्वारंटीन में रह रहे प्रवासी लोगों के लिए भोजन व पानी की व्यवस्था भी की गई है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान मध्य प्रदेश के रीवा जिले के जनपद पंचायत रायपुर करछू अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत सगरा में जनहित में उल्लेखनीय कार्य किए गए। ग्राम में मास्क, सैनिटाइजर व साबुन के वितरण के साथ क्वारंटीन किए गए प्रवासी लोगों को भोजन, पानी इत्यादि की व्यवस्था की गई। मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित इस पंचायत में नमामि पवन फाउंडेशन के सहयोग से मार्ग से आवागमन करने वाले प्रवासी जनों के सेवा शिविर चलाकर भोजन, पानी इत्यादि का बेहतर इंतजाम किया। वर्तमान समय में इस पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 56 कार्य निर्माणाधीन है, साथ ही मेंड बंधान सहित अन्य विकास कार्य निरंतर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। हम लोग हैं रीवा जिले की जनपद पंचायत रायपुर के चुलियान की ग्राम पंचायत सगरा में ग्राम पंचायत के सचिव श्री शेषमणि साहू जी और ग्राम सगरा के सरपंच माननीय ब्रजमोहन साकेत जी हमारे साथ हैं। आज उनसे तमाम कोरोना काल के दौरान की गई व्यवस्थाओं के संबंध में, ग्राम पंचायत में संचालित विकास कार्यों के संबंध में हम चर्चा करेंगे। शेषमणि जी से पहले हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपका ग्राम पंचायत सगरा में आगमन अभी कुछ दिनों पहले हुआ है, कोरोना काल के दौरान आपके द्वारा की गई व्यवस्थाओं के संबंध में मुझे जानकारी देने का कष्ट करेंगे। ठीक है, ये कोरोना जैसे महामारी में ग्राम पंचायत सगरा बाहर से आए हुए लोग जो बाहर गए थे कमाने खाने, उनको मैं 14 दिन क्वारंटाइन किया हूँ अपने पंचायत भवन में, शक्ति भवन। उनकी भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बिजली, पंखा, पानी, हमें सारी व्यवस्था उनकी थी। उसके बावजूद भी जो यहाँ उसके बाद फिर से लोग आए, क्योंकि आना जाना उनका बना रहता था, घर जाके उनके पोस्टर चस्पर करते थे। उस पोस्टर में मैं स्वयं लिखता था कि आज दिनांक वापस 14 दिन तक आप सिर्फ अकेले रहोगे, कमरा में रहोगे, सबसे दूरी बनाते हैं। इस तरीके से हमने ग्राम पंचायत सगरा में व्यवस्था की है। कंटेनमेंट जोन, जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले जानकारी हुई कि आपके सगरा का कुछ क्षेत्र कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट जोन में चूंकि कलेक्टर महोदय का निर्देश था, निर्देशानुसार क्या कार्रवाई की गई, यह जानकारी चाहिए। अपना कंटेनमेंट क्षेत्र बाढ़ क्रमांक 6 हुआ था, उसमें हमें जो ऊपर का निर्देश हुआ जी, क्योंकि गरीब परिवार का कार्य जी, उसके भोजन की सारी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था जी, हमने स्वयं जाकर उसके घर में की जी, और एक बाड़ा बनाया था कि ये कहीं जाए ना, उसको बिल्कुल समझाइश दिया गया उसके घर में आए हूँ माँ जी। इस तरीके से ग्राम पंचायत सगरा की तरफ मेरी आपने बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था करी है लोगों की। जैसा हम सबको मालूम है, आपने निरंतर कोरोना काल में बड़ा ही संघर्षमय काम किया है, जिसके कारण आपको कई संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है। मैं आपसे विकास कार्यों के संबंध में यदि चर्चा करें तो प्रधानमंत्री आवास वर्तमान समय में महत्वपूर्ण लक्ष्य है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है, अधिक से अधिक प्रधानमंत्री आवास बने, तत्संबंध में आप संयुक्त रूप से बताने का कष्ट करेंगे। हम श्रीमान सरपंच साहब जी से पूछना चाहते हैं कि अभी तक ग्राम सगरा में प्रधानमंत्री आवास के कार्यक्रमों का कितना क्रियान्वयन हो सका है? 56 आए हैं और 108 थी, 108 पहले थी, 56 इस सप्ताह में आए। अभी वर्तमान समय में कितने कार्यावधि में, यह जानकारी क्या दे सकेंगे?
वर्तमान समय में कार्यरत 56 56 कार्यरत 56 हितग्राहियों को हमने आवंटन किया जिनकी प्रथम किस्त 56 लोगों को प्रदान हो चुकी है। कार्य भी लोगों ने बिल का कार्य संपूर्ण रूप से कर लिया गया है। दूसरी किस्त का हमें जियो टाइप करके भेज दिया गया जिसमें 3-4 लोगों की दूसरी किस्त भी आ चुकी है। क्योंकि अब किस्त क्या है डायरेक्ट भोपाल से हितग्राही के खाते में जाती है तो थोड़ा सा विलम्ब होगा। तो आपके सभी वरिष्ठ अधिकारी आपका सहयोग करते हैं पूरे रूप में। आपको सभी जनपद के मेरे जिला के कर्मचारी अच्छा सहयोग कर रहे हैं। सभी विकास कार्यों में आपका सहयोग मिल रहा होगा बराबर मिल रहा है। कहीं आपको बजट में कोई अच्छा कोई आपके यहाँ वर्तमान स्थिति में क्या क्या निर्माण कार्य या कि कोई ऐसे विकास कार्य उसकी थोड़ा सा मेरे यहाँ PCC का काम चल रहा है। 3-4 जी 4 को कार्य PCC में चल रहा है जबकि मेरे यहाँ वर्तमान में 125 लेबर लगे हुए हैं। मेरा बंधान में मेरे लेबर लगे हुए मेरा बंधान का मेरे यहाँ 10-12 का काम चल रहा है। प्रगति रथ में ये काम हुए है। वर्तमान में मुझे पंचायत भवन की बाउंड्री का निर्माण करना है 15 अगस्त के बाद इसका निर्माण मुझे करना है। चूंकि कोरोना काल है कोरोना काल में बहुत भीड़ भाड़ को करना नहीं है जैसा कि आप सबको मालूम है तो 15 अगस्त में औपचारिक ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब आपको भी धन्यवाद ग्राम पंचायत निवासियों की तरफ से सचिव की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत। एकता का राज चलेगा हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन प्रदेश महासचिव जदयू बिहार शभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126 संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड जौहरी बाजार हाजीपुर वैशाली।